न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला को 5-0 से जीतने पर मुख्य कोच रवि शास्त्री की अगुवाई में दिग्गज क्रिकेटरों ने रविवार को भारतीय टीम की तारीफ करते हुए बधाई दी। आपको बता दें कि भारत ने 5वें और आखिरी T20 अंतर्राष्ट्रीय को 7 रनों से जीतकर पहली बार इस प्रारूप में 5 मैचों की श्रृंखला में सुपड़ा साफ किया। वहीं पूर्व क्रिकेटरों वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान और मोहम्मद कैफ ने भी टीम को इस प्रदर्शन के लिए बधाई दी। दरअसल टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने लिखा, पिछले 3 मैच अविश्वसनीय रहे, भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। शनिवार को फिटनेस टेस्ट में नाकाम होने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला से बाहर हुए हार्दिक पांड्या ने ट्वीट किया, टीम इंडिया सबने अच्छा किया। वहीं सहवाग ने कहा, चाहे 4 गेंद में 2 रन की आवश्यकता हो, 3 रन में 18 रन की जरूरत हो या फिर 9 ओवर में जीतने के लिए 57 रन चाहिए हो, वे भी तब जब न्यूजीलैंड के पास काफी विकेट बचे थे। आखिरी 3 T20 में टीम इंडिया का हार नहीं मानने का जज्बा दिखाना शानदार रहा। भारतीय टीम इस श्रृंखला में सुपड़ा साफ करने की हकदार थी। पठान ने ट्विटर पर लिखा, टीम इंडिया ने यह न्यूजीलैंड में T20 श्रृंखला में सुपड़ा साफ किया, ये लंबे समय तक याद रखा जाएगा। मेरे लिए सबसे अच्छी सकारात्मक बात ये है कि बुमराह के अलावा दूसरे तेज गेंदबाजों ने किस तरह दबाव में गेंदबाजी की है। वहीं मोहम्मद कैफ ने ट्वीट किया, T20 श्रृंखला को 5-0 से जीतने वाली पहली टीम कोहली कप्तान के तौर पर बेहतरीन रहे, क्योंकि उनकी टीम ने नाजुक मौकों से वापसी की, टीम में धैर्यवान खिलाड़ियों की कमी नहीं है। तो आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।